स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। जब बात हो नॉन वेजिटेरियन डिशेस की, सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो है सी फूड, और उसमें भी मेरा फेवरेट है प्रॉन्स। मैं खा सकती हूँ प्रॉन्स कभी भी दिन में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं प्रॉन्स इन चिली सॉस। सामग्री जो हमें चाहिए प्रॉन्स इन चिली सॉस बनाने के लिए वो है, हमें चाहिए प्रॉन्स, हरा भाग हरे प्याज का एक अंडा, सोय सॉस, विनेगर, शक्कर, नमक, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, कॉर्नफ्लावर, अदरक, टमेटो सॉस और काली मिर्च। तो मैं शुरू करूंगी मैरिनेट करने से प्रॉन्स को। मैं तोड़ने वाली हूँ एक अंडा। आप हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं, और फिर इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लावर। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। मिलाऊंगी ये सब अच्छे से, और अब मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच भर के नमक। मिला लूंगी इसे। एक बार ये मिक्स हो जाए, मैं इसे साइड पे रखूंगी और मैरिनेट होने दूंगी इसे 15 से 20 मिनटों के लिए। एक बड़े पैन में हम गरम करेंगे थोड़ा तेल। एक बार तेल गरम हो जाए, हम धीरे से रखेंगे इसमें ये मैरिनेटेड प्रॉन्स। हम इसे भून लेंगे जब तक कि रंग बदल जाए। तो मैंने फ्राई कर लिया है अब प्रॉन्स को, मैंने निकाल लूंगी एक प्लेट में, और अब हम तैयार कर लेंगे सॉस को। सबसे पहले मैं जार में लूंगी सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियां और विनेगर। पीस कर बना लूंगी एक स्मूथ पेस्ट। एक दूसरे पैन में मैं गरम करूंगी थोड़ा और तेल। एक बार तेल गरम हो जाए, मैं इसमें ऐड करूंगी हरा भाग हरे प्याज का, इसके बाद अदरक के टुकड़े। भून लूंगी जब तक हो जाए जायकेदार। एक बार ये जायकेदार हो जाए, अब गैस को ऑफ कर देंगे और ऐड करेंगे इसमें टमेटो केचप। मिला लूंगी इसे भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हॉट चिल्ली पेस्ट जो हमने अभी पीसा है, इसके बाद थोड़ा सोया सॉस। तो मैंने लिया है 1 चम्मच सोया सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च, यह 1/2 चम्मच काली मिर्च, और ऐड करूंगी चुटकी भर शक्कर इसमें, चुटकी भर नमक। मिला लूंगी ये सब। एक बार आपने ये सब मिला लिया, गैस को फिर से ऑन करेंगे बहुत ही कम आंच पर। ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। अब समय है ऐड करने का ये प्रॉन। मिलाऊंगी जब तक के हर एक प्रॉन अच्छे से कोट हो जाए सॉस में। एक बार ये प्रॉन्स अच्छे से कोट हो जाए सॉस में, हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी इसमें। मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनटों के लिए। प्रॉन्स लगभग हो चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी स्लरी कॉर्नफ्लावर में से। ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी इसमें, और डाल रही हूँ लिक्विड प्रॉन्स के अंदर। मिलाऊंगी इसे भी अच्छे से और चलाती रहूंगी ताकि ये कॉर्नफ्लावर नीचे चिपक न जाए पैन में। तो ये प्रॉन इन चिली सॉस तैयार है। हम गैस को ऑफ करेंगे और निकाल लेंगे ये प्रॉन्स को सर्विंग डिश में। ये प्रॉन्स इन चिली सॉस अब तैयार है। ये बनता है एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर। लेकिन ज्यादातर लोगों की होती है अनोखी खाने की आदतें, और मुझे पसंद है प्रॉन्स इन चिली सॉस बन के साथ। और मुझे यकीन है आपको पसंद है खाना आपके तरीके से, एक स्नैक के तौर पे या तो फिर एकॉम्पनीमेंट के तौर पे किसी के साथ। आपकी चॉइस है।